दोस्तों थोड़े टाइम पहले खबर आई थी कि बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ग्रसिम इंडस्ट्रीज पेंट बिजनेस में कदम रखने जा रही है और इन लोगों ने बिरला ओपस पेंट्स नाम से अपने पेंट का ब्रांड लॉन्च किया है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई एशियन पेंट्स और बाकी पेंट कंपनियों के शेयर्स 5-7% तक टूट गए और इन्वेस्टर्स घबराने लगे कि अगर ग्रसिम भी पेंट बिजनेस में आएगा तो बाकी पेंट कंपनियों का क्या होगा। अब दोस्तों कुछ हद तक उनका डर जायज भी था क्योंकि ग्रसिम की एंट्री से बाकी पेंट कंपनियों को दिक्कत तो होने वाली है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आधी न्यूज इन्वेस्टर्स को बताई गई, सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन दी गई और यहाँ पे पूरे के पूरे खेल में कुछ झोल है। झोल क्या है दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो ग्रसिम ने पिछले साल अपने पेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डबल करके 10,000 करोड़ की कर दी थी और टोटल 6 प्लांट्स लगाने चालू कर दिए थे। रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल तक इनके प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे और ये लोग अपना एक्सपेंशन चालू कर देंगे। अब ग्रसिम इंडस्ट्रीज की 2 सब्सिडरीज हैं, पहली आदित्य बिरला कैपिटल और दूसरी अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला वाइट केयर पुट्टी अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा तगड़ा है। ऑफलाइन आप किसी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप पे चले जाइए, वहां पे आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, चाहे आप शहर में ढूंढें या दूर किसी गांव में। ऊपर से अभी इन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपना बिल्डिंग मटेरियल्स का B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान वाला ऑर्डर प्लेस कर सकता है और ये लोग अमेज़न की तरह सामान डायरेक्टली उस तक पहुंचा देंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में लोगों ने सामान ऑर्डर करना चालू भी कर दिया है। तो बिरला ग्रुप की स्ट्रेटेजी सिंपल है, अल्ट्राटेक के ऑफलाइन और अपने ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाओ और कस्टमर्स को सीमेंट और पुट्टी के साथ साथ पेंट भी बेच दो। अब ऐसा करना इनके लिए इसलिए भी आसान होगा क्योंकि जब ये लोग अपने कस्टमर्स को नए नए ऑफर्स देंगे, नए नए कॉम्बो पैकेजेस लॉन्च करेंगे, डिस्काउंट्स देंगे, तो कस्टमर इनका पेंट खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो क्रॉस सेलिंग से ये धीरे धीरे मार्केट शेयर खाना चालू कर देंगे। यही वजह है कि जेफरीज ने इन्हें पेंट इंडस्ट्री का जियो कहा है, कि जैसे मोटा भाई ने जियो लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया था, यही सेम चीज बिरला ग्रुप भी करने वाला है पेंट इंडस्ट्री में। अब दोस्तों याद करिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था कि इन्वेस्टर्स तक आधी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है और इस पूरे खेल में कुछ झोल है। झोल क्या है? तो जब कंपनी की कॉन कॉल में एनालिस्ट ने इनसे इनके पेंट बिजनेस के बारे में और एशियन पेंट्स के बारे में सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि इन्हें पेंट इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनना है, पहला नहीं दूसरा। तो जब कंपनी को खुद ही भरोसा नहीं है कि ये लोग पेंट इंडस्ट्री का नंबर 1 प्लेयर बन सकते हैं तो ये जियो कहां से हुए? जियो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनने नहीं उतरा था मार्केट में, मोटा भाई टेलीकॉम में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते थे। अब इन्होंने दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनने की बात क्यों करी है? क्योंकि इनको भी पता है कि इंडिया में पेंट का मतलब ही एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा है और अभी भी ग्रोथ किए जा रहा है। इन्हीं की तरह एशियन पेंट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा है, ये भी आपको पूरे भारत में मिलता है। और तो और एशियन पेंट्स ने उन कस्टमर्स के दिल में भी जगह बना ली है जो कलर्स को लेके बहुत ज्यादा चूजी हैं, बहुत ज्यादा पिकी हैं। लेकिन ये चीज बाकी कंपनियां नहीं कर पाई है क्योंकि पेंट कंपनीज के लिए हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रही है कि वो कैसे अपने हर टाइप के, हर कलर के पेंट अपने डीलर्स के पास पहले से अवेलेबल करा सकती हैं। पहले जब कोई भी कस्टमर हार्डवेयर की दुकान में जाता था और कलर पैलेट में से अपना फेवरेट कलर चुनता था तो दुकान वाले को वो कलर मंगाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करना पड़ता था और वो कलर आते आते 10 से 20 दिन लग जाते थे। लेकिन एशियन पेंट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने हर डीलर के पास एक टिंटिंग मशीन लगा दी, जिससे वो डीलर हाथों हाथ कलर मिक्स करके देख सकता था और कस्टमर को उसका मनपसंद कलर दे सकता था। अब ये करना कोई मजाक का काम नहीं था, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि कंपनी के कहने पे कोई भी डीलर कुछ नहीं करता। इसके लिए कंपनी का डीलर्स के साथ पर्सनल कनेक्शन होना जरूरी था ताकि वो डीलर्स इनकी बात माने और मशीन चलाने की ट्रेनिंग लें। ये चीज एशियन पेंट्स ने सक्सेसफुली कर दिखाई, जिसकी वजह से आज जहां नेरोलैक और बर्जर पेंट्स के पास मिलाकर भी 46,000 मशीन्स हैं,
अकेले एशियन पेंट्स के पास 50,000 से ज्यादा मशीन्स का नेटवर्क है। ये चीज बिरला ग्रुप ने भी अपनी कॉन कॉल में एक्सेप्ट किया है कि ये लोग इस चीज के लिए अभी प्लान्स बना रहे हैं। इसके बारे में अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है, और यही वजह है कि मैक्वायर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा है कि ग्रासिम की एंट्री से एशियन पेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एशियन पेंट्स ने अपने बिजनेस में एक हाई एंट्री बैरियर बनाया हुआ है। अब दोस्तों, अभी के वक्त में एशियन पेंट्स का शेयर थोड़ा डाउन और थोड़ा फंसा हुआ इसीलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल $90 से भी ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से पेंट कंपनीज के लिए विनाइल एसीटेट मोनोमर जैसे रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ गया है और इनकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिससे कंपनी के मार्जिन कम हुए हैं। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे, वापस से रॉ मटेरियल का दाम सस्ता हो जाएगा और इनके मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ऊपर से जब भी रॉ मटेरियल का दाम बढ़ता है, ये लोग उस कॉस्ट को कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, लेकिन बाद में जब रॉ मटेरियल सस्ता होता है, ये अपने पेंट का दाम कम नहीं करते, तो इसकी वजह से भी इनके मार्जिन बढ़ते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि ग्रासिम एशियन पेंट्स के साथ टक्कर ले पाएगा, और ये चीज इनको खुद भी पता है। लेकिन हाँ, ग्रासिम की एंट्री से छोटी पेंट कंपनियों को दिक्कतें होने वाली है क्योंकि ग्रासिम उनका मार्केट शेयर खाएगा। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप पेंट कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, तो उनके आगे के प्लान्स चेक करिएगा। ये चेक करिएगा कि वो लोग इस कंपटीशन में कैसे टिकने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एशियन पेंट्स के इन्वेस्टर्स के लिए डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।